देवास जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में नगर निगम सभा कक्ष में जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि देवास प्रोग्रेसिव जिला है, जिले में अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं, विकास की गति ऐसे ही बनाए रखें, जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करें, वहीं जिले में स्किल डेवलपमेंट और खेल गतिविधियां बढ़ाई जाए, सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाए रखें। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रभारी मंत्री सिंधिया को जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि जिले में नए कलेक्टर कार्यालय का कार्य शीघ्र शुरू किया जा रहा है। जीर्ण शीर्ण शासकीय आवास के स्थान पर नवीन शासकीय आवास कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू किया जा रहा है। जिले में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, जिससे नए रोजगार सृजित होंगे। जिले में 950 से ज्यादा कंपनियां कार्यरत हैं, जो 50,000 से अधिक नागरिकों को रोजगार दे रही है। देवास में लैंड पुलिंग योजना के तहत 5.68 किलोमीटर सुपर मिनी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो 45 मीटर चौड़ा है। सुपर मिनी कॉरिडोर के बनने से देवास का पश्चिमी क्षेत्र विकसित होगा, शहर के यातायात का दबाव कम होगा। इसके क्रियान्वयन से शहर की बाहरी रिंग रोड पूर्ण होंगी एवं उचित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारू हो सकेंगी। वहीं मक्सी बाईपास चौराहे से जिला न्यायालय तक 4.8 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क एवं सटर लाइटिंग का कार्य प्रगति पर है। मंडी के सामने फ्लाई ओवर ओल्ड एबी रोड पर फ्लाई ओवर का कार्य प्रगति पर है। मक्सी रोड से इंदौर बाईपास तक फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है। मक्सी बाईपास चौराहे से जिला न्यायालय देवास औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र प्लान में रिक्त ग्रीन बेल्ट जो अविकसित था, एबी रोड के समांतर के रिक्त भूमि के 1 किलोमीटर भाग को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया है। वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले में बांस का चयन किया गया। वहीं बांस लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। टेकरी पर माताजी के मंदिर में जन सहयोग से चांदी की परत का कार्य किया गया है। टेकरी पर डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है। टेकरी तक पहुंचने वाले सभी मार्ग पर भव्य द्वार, टेकरी को सर्व सुविधाजनक बनाया जा रहा है। देवास में शंकरगढ़ पहाड़ी को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय देवास का कायाकल्प किया गया है। वहीं जिला अस्पताल में ब्रह्मा विकास पार्किंग एवं गार्डन, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, मैटरनिटी, एलिवेशन, आवासीय इकाई, कैंटीन एवं मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम स्थल के लिए कार्य किया जा रहा है। विकास को लेकर नगर निगम में जो है समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ मुद्दे सामने आए और क्या निर्देश दिए गए? एक तो खुशी की बात ये है और आपको भी गर्व होना चाहिए कि जो मैंने आज देखा झोंका, जिसको कहते हैं विकास के काम और कैसे डेवलप हो रहा है अपना देवास, वो तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रोड मैप जो बनी है और उसी रोड मैप को ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यहाँ के कमिश्नर कलेक्टर साथ मिलकर काम करेंगे तो देवास आपका नंबर 2 शहर बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि आपकी सारी जो प्रेशर इंदौर से आ रही है वो देवास में आके बैठ रही है, तो इसीलिए वो एक नेचुरल, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉरोलरी, जैसे हार्ट की कॉरोलरीज होती हैं, तो वो एक नेचुरल कॉरिडोर भी बन रहा है और कॉरोलरी भी बन रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी थी 2014, 2015 और 2016 में, तो यहाँ इंडस्ट्री वालों के लिए पानी नहीं था, तो मैंने बहुत इसके ऊपर संघर्ष किया और जाते जाते मैं उसको मैंने करवाया। तो जो आज इंडस्ट्री में गिरीश मंगला जी हैं कहीं, तो मुझे याद है कितना हमें संघर्ष करना पड़ा उस पानी को लाने के लिए। तो अब जो डेडिकेटेड पानी आपके इंडस्ट्री के लिए है वो अब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो नंबर 1 की तरफ आपको ले जा रही हैं। मैडम, यूक्रेन को लेके मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? अच्छा, लैंड पुलिंग का मुद्दा भी सामने आया, मैम अभी सुनने में आ रहा था, हाट पिपला विधायक जी ने उठाया था। तो लैंड पुलिंग का जो मामला है वो अभी तक उसको उसकी पूरी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। जब नोटिफिकेशन निकलेगी तो कलेक्टर साहब को मालूम होगा कि कौन से एरियाज में नोटिफिकेशन आ रही है। फिर किसान के ऊपर है,
कि उसको देना है कि नहीं देना है। कोई किसी को प्रेशर नहीं लगाने वाले हैं कि आपको देना ही देना है या हम छीनने आपके लैंड को हम छीनने वाले हैं। तो बहुत ही संतुलित ढंग से सरकार इसके ऊपर काम करेगी। हमारी चाहत है कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मैं देखती हूँ कि वो जो शहर है उनको और स्ट्रॉन्गर बनाओ और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको और शहर की तरफ अच्छा बनाओ। जैसे अमृत गांव होते हैं या जैसे हमने अमृत पार्क बनाए, तो धीरे धीरे तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं वो एक बड़े शहर नहीं, एक मेट्रोपोलिस जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे एक मेट्रोपोलिस जैसे बनने वाला है। अच्छी बात मैडम, ये अच्छी बात है। विकास के काम तो खूब हो रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, लेकिन जो काम चल रहे हैं उनमें कुछ नहीं। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।